तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब पुरजोर तरीके से उठने लगी है और अलग अलग हिंदू संगठन इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा या नहीं, विकासशील राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने में अभी कितनी संभावनाएं हैं और क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दोबारा कभी विश्व गुरु की पदवी प्राप्त करेगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जानेंगे पंडित आशुतोष वैदिक जी से, जो पहले भी कई भविष्यवाणी कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने भविष्यवाणी की है। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठती आ रही है। विभिन्न हिंदू संगठन इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुद्दे पर बात करेंगे। इसी चीज को लेकर हमारे साथ पंडित आशुतोष वैदिक जी हैं, कई भविष्यवाणी पहले भी कर चुके हैं और इस बार ये भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं, कब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा या नहीं? देखिए, हम 21वीं सदी के सबसे बेहतरीन समय के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। समस्त अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर सभी ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित कब होगा एवं भारतवर्ष विश्व गुरु की पदवी को कब प्राप्त करेंगे एवं विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर भारतवर्ष कब अग्रसर हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 4 जून 2025 को राष्ट्रपति देव उच्च अपनी कल्प राशि ऊंची के अंदर विराजित हो जाएंगे और मैं आपको बता दूं भारतवर्ष की जो राशि बनती है वो धनु राशि बनती है, जो मूल नक्षत्र के अंतर्गत आती है। तो जो धनु निश्चय बृहस्पति धनु राशि के जो अधिपति देवता होते हैं वो भी बृहस्पति, तो हमें बृहस्पति के पावर से ही अभी ये सब कुछ पता लगेगा। तो मैं आपको आगामी संवत्सर और आगामी जो आने वाली सन है मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये मित्रों, मैं बता दूं 4 जून 2025 से लेकर के और 2 जून 2028 तक का जो समय रहेगा वो हमारे देश के लिए स्वर्णिम समय रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जून 2024 से लेकर के और 2025 तक का जो समय रहेगा वो कालयुक्त संवत्सर रहेगा और कालयुक्त संवत्सर सिद्धार्थ नामक संवत्सर और सिद्धार्थ के बाद रौद्र नामक संवत्सर में हिंदुस्तान की जय जयकार होगी और यही भी हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की अनुभूति हम कर पाएंगे। आप देखते हैं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से हिंदू जो अलग अलग है कि संगठन है वो कई प्रकार की मांगे रख रहे हैं, जैसे कि हमने बात की जिस तरह से जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो संत महंत है या विभिन्न संगठन है वो इस मुद्दे पर उठा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उन बातों को गौर करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे? अवश्य। देखिए, जो बृहस्पति देव है ये आध्यात्म के कारक है, ये शोध अनुसंधान के कारक है और ये सॉफ्टवेयर फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, न्याय है, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद है, गुप्त रहस्यों का उद्घाटन और ये देवगुरु बृहस्पति को देव मंत्री का पद प्राप्त है एवं ये जो लिक्विड मनी गुप्त रहस्य है और संतुलित जीवन जीने का एक यूनिक तरीका हमें ज्योतिष हमें सिखाती है। तो जून 2025 से हमारे देश का स्वर्णिम समय प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा होता है, लेकिन इस बीच जो अग्निपथ योजना है ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए, क्या लगता है युवा इसमें यदि एक तरह से कहें कि इसमें अभी से जुड़ जाए तो लगता है कि बेरोजगारी देश में बेरोजगारी दर वो कम होगी? ऐसा कह दीजिए कि देश के अंदर बेरोजगारी संपूर्ण जो मोदी जी का ये वाला प्लान है अग्निवीर, तो मैं आपको बता दूं यहाँ बेरोजगारी तो पूर्ण ही खत्म हो जाती है और मैं आगामी संवत्सर के आधार पर आपको मोदी जी की मतलब झंडा उठाने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि आनल पिंगल कालयुक्त सिद्धार्थी और रौद्र नामक जो संवत्सर रहेंगे ये हमारे देश का विरोधाभास रहेगा। तो कुल मिलाकर के जून 2023 से लेकर के 2025 तक का जो समय रहेगा ये थोड़ा विरोधाभास रहेगा, इसमें युवा वर्ग आक्रोश से बाहर आएगा और देश के अंदर अपने संविधान का समाशोधन होगा और नई नियमावली बनेगी और हमारा देश वापस पुनः विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की श्रेणी के अंदर जो एफर्ट्स हैं वो इसी समय होंगे और जून 2025 से लेकर के जून 28 के मध्य का जो समय है वो स्वर्णिम समय रहेगा और यहाँ हमें आकर के भारतवर्ष एक आर्थिक
धन्यवाद पंडित जी। जिस तरह से ये मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, दूसरी ओर जिस तरह से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना है, ये कई तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर युवाओं में भी कम न कहीं इन चीजों को लेकर कश्मकश है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जब पंडित आशुतोष जी से बात की तो उन्होंने इन चीजों को लेकर कई भविष्यवाणी की है। अब आगामी दिनों में देखना होगा ये भविष्यवाणी कितनी सिद्ध साबित होती है। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज़।